राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। यह सेंटर जर्मनी, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड सहित 12 देशों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंटर के संस्थापकों को उनके इस कार्य की बधाई दी और साथ ही सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए गए कार्यों की भी चर्चा की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में VFS का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए VFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे अभी यहाँ बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खास तौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से एक कॉमन मैन और खास तौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि VFS ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया है कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज अपना एक स्थान बनाया है। मैं इसके लिए गोविंद प्रक्रिया को और उनकी परिवार को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यहां पर VFS ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के ले दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है और अब तक इस कंपनी ने 2 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण भी अपने स्थापना के बाद से संपन्न किया है। संकट काल में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है, ऑपरेशन राहत 2015 जब अरब देश में यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था, वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं, या ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की
अकेले क्षमता रखती है लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वहां भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राज सर्वप्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।